नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। यूपी के कैबिनेट मंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष में बोला हमला, अखिलेश यादव की ली चुटकी। समाजवादी पार्टी में शिवपाल को दरकिनार किए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने ली चुटकी। शिवपाल जी बेचारे त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हैं, वह पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। अखिलेश यादव शिवपाल जी को किनारे लगाने में लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन का एक गाना अखिलेश जी गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है, सपा में सभी नेता गुलाम हैं, उनकी औकात नहीं है कि सही बात बोल दें। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा व 26 अन्य। सपा को केवल यादव दिखाई देता है, मंगेश यादव दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं, अगर उनकी हैसियत है तो बता दें कि अखिलेश यादव इन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं या वही लेकर दिखाएं। अयोध्या रेप की घटना, कन्नौज रेप की घटना में सपा का नेता, मऊ में सपा नेता, कुशीनगर में नकली नोट सप्लाई करने वाला सपा नेता, जहां भी मामला हो रहा है वहां समाजवादी पार्टी खड़ी हो जा रही है। यह अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। अपराधियों पर जब कार्रवाई हो रही है तो इनको बुरा लग रहा है। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस और बसपा भी विपक्ष में है, उसके नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष के नेता जानते हैं और कहते भी हैं कि उपचुनाव ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है। विपक्ष का विधायक जीतेगा तो 2.5 साल यही कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनता। चकिया विधानसभा के घूर हुपुर इलाके में पहाड़ी पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा की खोज को लेकर प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले बौद्ध महोत्सव में कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। उतरौत इलाके में पंचायती राज विभाग द्वारा बनाए गए पंचायत भवन का ओम प्रकाश राजभर ने किया उद्घाटन। गरीब परिवारों को जीरो पावर्टी स्कीम के बारे में दी जानकारी। कि आज प्रधान जी हमारे बगल में हैं, इनके द्वारा पंचायत भवन का निर्माण सुव्यवस्थित कराया गया है, उसी के उद्घाटन में आपने निवेदन किया था, क्योंकि चकिया आगे कार्यक्रम पार्टी का भी कार्यक्रम है, तो उस संबंध में उद्घाटन के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। देखिए, जनता भी जानती है और विपक्ष के नेता भी जानते हैं, और वो कहते भी हैं कि उपचुनाव ज्यादातर सत्ता पक्ष जीतता है, और जनता भी इस बात को जानती है कि विपक्ष में चुनाव जिताने के बाद वो विधायक यही कहता है, 2.5 साल ये कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास का काम कैसे करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष को चुनाव जिताना चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा जातिवाद किया है, वो जातिवाद की बात करती है। समाजवादी पार्टी में जितने नेता हैं सब गुलाम हैं, किसी की औकात नहीं है कि सही बात बोल दें। हम आपके सामने रखते हैं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य, और समाजवादी पार्टी को अकेले खाली यादव दिखाई देता है, मंगेश यादव। अगर समाजवादी पार्टी में जो भी नेता हैं, विधायक, सांसद, उनकी हैसियत तो जरा ये बता दें कि इतने लोगों का नाम अखिलेश जी क्यों नहीं लेते हैं, या वो इन लोगों का नाम लें तब उनको पता लग जाएगा। चिल्ला तो रहे हैं कानून, और मैं तो देख रहा हूं कि चाहे अयोध्या की घटना रेप में समाजवादी पार्टी, आपके कन्नौज रेप में समाजवादी पार्टी, एटा पूर्व विधायक रेप में कन्नौज समाजवादी, एटा समाजवादी पार्टी, मऊ में समाजवादी पार्टी नेता, कुशीनगर में नकली नोट सप्लाई करने वाला समाजवादी पार्टी, अभी जहां भी मामला हो रहा है वहां समाजवादी पार्टी खड़ी हो जा रही है। तो ये अपराधियों के संरक्षण देने वाले लोग हैं, अपराधियों के ऊपर जब कार्रवाई हो रही है तो इनको बुरा लग रहा है। इनको खुद पता नहीं है कि ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम हो रहा है, तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी भी तो है, बसपा भी तो है, तो उनके नेता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, वो भी तो विपक्ष में है, खाली सपा के खिलाफ क्यों होती है। देखिए, हमारा काम विकास करना है। आप बैठे हैं या खड़े हैं देख रहे हैं, पंचायत भवन भव्य और दिव्य बन गया, नई स्कीम जीरो पॉवर्टी आ गई,
एक हफ्ते के अंदर हर गांव से 25 ऐसे परिवार चयन होंगे, उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई फ्री में देने जा रही है सरकार। हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, हम लोग गांव से लेकर के पूरे देश में प्रदेश में जो गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत विकसित भारत, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। ये बात सपा बसपा कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा, ये बेचारे तो त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हैं, पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, अखिलेश जी उनको किनारे लगाने में लगे हैं। वो एक अमिताभ बच्चन का गाना अखिलेश जी गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए ये हमारे संज्ञान में अगर है तो सरकार कटिबद्ध है उसको चालू कराने के लिए, अगर वो टूटा है उसका दरवाजा तो दरवाजा हम बनवाएंगे, सीट उसके जो सीट है वो अगर गड़बड़ है तो उसको भी बनवाने के लिए। सरकार की मंशा है कि इसको जन आंदोलन करके, स्वच्छता को जन आंदोलन के रूप में, हर मानव गंदगी करता है तो हर मानव की ड्यूटी है सफाई, तो हम सब लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को प्रेरित करें।